कोल्हान विश्वविद्यालय परिसर में बीएड चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थी सोमवार को नामांकन शुल्क और परीक्षा शुल्क में रियायत की मांग पर धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि बीएड छात्र अधिकार मंच की ओर से जारी प्रदर्शन में पूरे कोल्हान से छात्र छात्राएं जुटे हैं। लगभग 2 घंटे ये धरना चला। आपको ये भी बता दें कि बीएड के चौथे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म 5 से 16 अगस्त तक भरा जाना है, जबकि सभी छात्र गरीब परिवार से आते हैं। कोरोना काल में स्थिति दयनीय है। धरना प्रदर्शन में शामिल विद्यार्थियों ने कहा है कि कोविड-19 महामारी की स्थिति से देश जूझ रहा है। देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ अन्य सभी क्षेत्र भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। झारखंड जैसे पिछड़े राज्यों के लिए स्थिति और भी भयावह है। ऐसे हालात में झारखंड के छात्रों के लिए शैक्षणिक गतिविधि जारी रख पाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य होने के साथ साथ विश्वविद्यालय के अधिकांश छात्र गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हैं तथा उच्च शिक्षा पाने के लिए काफी संघर्ष करते हैं। विगत कई महीनों पूर्व से नामांकन शुल्क में रियायत देने के संबंध में विभिन्न कॉलेजों के विद्यार्थियों द्वारा आवेदन तथा ईमेल के माध्यम से सभी ने अपनी अपनी समस्याओं से विश्वविद्यालय को अवगत कराया था, लेकिन किसी तरह का उचित कार्रवाई नहीं की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान कुलपति प्रोफेसर गंगाधर पंडा समेत विश्वविद्यालय व्यवस्था के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। साथ ही विद्यार्थियों के हित में निर्णय लेने का मांग किया जा रहा है। हम सभी कोल्हान विश्वविद्यालय ये अपनी मांगे रखने के लिए आए हैं कि जो हमारे जो नामांकन सूत्र है उसमें 50% माफ किया जाए। सर, मैं एक जनरल कैटेगरी की छात्रा हूँ, मुझे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलता, मेरी आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है, इसलिए मैं पूर्ण रूप से आपसे निवेदन करती हूँ कि मेरे परीक्षा शुल्क में माफ किया जाए, नामांकन शुल्क में 50% कटौती की जाए। वो आप बोलने का कॉलेज में एडमिशन भी पूरा हो चुकी है, लेकिन जो बीएड कॉलेज है वहाँ बहुत सुदूर इलाका से स्टूडेंट, बहुत गरीब तबके के विद्यार्थी पढ़ते हैं। महामारी का दौर में जहाँ एक तरफ जॉब चली गई और जॉब चली जाने के चलते बहुत लोगों का कामकाज बैठ गया, भत्ता बैठ गया, तो इस स्थिति में जो हम लोगों का शुल्क है वो 25,500 लिया गया। हम लोग चाहते हैं कि 25,500 से कुछ कटौती की जाए, ये हम लोग का प्रथम मांग है। मेरी मांग यही है कि परीक्षा शुल्क माफ किया जाए और एडमिशन का नामांकन के लिए 50% मैं बीसी सर और सीबीसी सर से अनुरोध करती हूँ कि हम लोग का जो ओवरऑल फीस है उसमें 50% माफ कर दिया जाए, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन में सभी कोई एबल नहीं है कि पूरा फीस दे सके। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।